आम भारतीय शराब में बिना पानी मिलाए उसे पीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। दारू के साथ पानी सोडे के इस अटूट रिश्ते को शराब कंपनियां भी समझती हैं। शायद तभी शराब के विज्ञापन पर प्रतिबंध होने के बावजूद ये कंपनियां पानी सोडे के ब्रांड के तौर पर टीवी अखबार में नजर आती हैं और उनका संदेश आसानी से अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाता है। शराब में पानी मिलाने का यह चलन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही है। अगर आप भी शराब पीते हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि भारतीय लोग शराब में पानी, जूस और कोक मिलाकर पीते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके पीछे वजह क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे की वजह बताएंगे। तो आप देख रहे हैं एडवेंचर आइस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ऐसी ही रोचक और अनोखी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विस्की में पानी मिलाना एक मजबूरी है। यूट्यूब चैनल के संस्थापक संजय घोष उर्फ दादा बारटेंडर इसकी चौंकाने वाली वजह बताते हैं। घोष के मुताबिक भारत में बहुत सारी विस्की कंपनियां इसे तैयार करने में मोलेसेस या सीरे का इस्तेमाल करती हैं। इस सीरे से आमतौर पर रम बनती है, क्योंकि भारत में फिलहाल इस पर कानूनी रोक नहीं है। इसलिए भारतीय मझोले विस्की ब्रांड मॉल्ट के साथ साथ मोलेसेस का भी इस्तेमाल करती है। दरअसल यह गन्ने से चीनी तैयार करते वक्त बनने वाला एक गहरे रंग का वाई प्रोडक्ट है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस मोलेसेस को डिस्टिल्ड करके शराब तैयार की जाती है। माना जाता है कि अधिकतर इंडियन मेड फॉरेन लिकर का बेस इसी से तैयार किया जाता है। ऐसे में जब आप इंडियन विस्की को बिना तरल मिलाए सीधे नीट पियेंगे तो यह हमारे हलक को चीरते हुए नीचे जाता हुआ महसूस होता है। यानी पानी मिलाकर इस कड़वाहट को बैलेंस करना एक बड़ी मजबूरी है। पीने वाले अब ये समझ गए होंगे कि महंगे विदेशी ब्रांड की शराब बिना कुछ मिलाए सीधे नीट गले से उतारना क्यों आसान होता है। नीट और ऑन द रॉक्स का क्या मतलब है? नीट का मतलब बहुत सारे पीने वाले समझते ही हैं। नीट यानी बिना कुछ मिलाए। किसी बार में जब आप नीट ऑर्डर करेंगे तो परोसने वाला शख्स 60 ml या 30 ml शराब गिलास में सीधे डालकर आपको दे देगा। हालांकि भारतीय मौसम नीट पीने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, क्योंकि गर्मियों में विस्की का सामान्य तापमान भी ज़्यादा हो जाता है। ये नीट पीते वक्त कुछ लोग इसमें मेटल आइस क्यूब डालते हैं ताकि विस्की का तापमान कुछ कम हो जाए। ये मेटल आइस क्यूब शराब के कंसंट्रेशन में बदलाव नहीं करता, जिससे उसका मौलिक स्वाद बना रहता है। वहीं ऑन द रॉक्स यानी ढेर सारी बर्फ के साथ विस्की परोसा जाना है। आदर्श स्थिति यह है कि गिलास को आधा बर्फ से भर दिया जाए और उस पर ऊपर से विस्की डाली जाए। कुछ लोग पहले शराब डालकर बाद में बर्फ डालते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। विदेशी लोग पानी क्यों नहीं मिलाते? जानकार मानते हैं कि शराब में पानी या कुछ दूसरा तरल डालने से उसका मूल फ्लेवर बिगड़ जाता है। प्रीमियम मिनरल वाटर भी आपको महंगी विस्की का स्वाद बिगाड़ देता है। शायद यही वजह है कि विदेशों में अधिकांश लोग बिना कुछ तरल मिलाए ही विस्की को उसके स्वाभाविक स्वाद के साथ आनंद उठाते हैं। वहीं अब भारत में भी महंगी सिंगल मॉल्ट को पीने के लिए खास तरह का पानी बेचा जाने लगा है। यह प्रोडक्ट विस्की ब्लेंडिंग वाटर के तौर पर बाजार में मौजूद है। कहते हैं कि यह खास तरह का पानी शराब के फ्लेवर को और बेहतर कर देता है। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।